क्या कहे ब्रो, तेलुगु इंडस्ट्री भी बन चुकी है ब्रो। देखो जब बाहुबली आई थी तब पैन इंडिया में ऐसा बवाल मचा था कि पूरा पैन इंडिया हिल गया था, और उसके बाद जब ट्रिपल आर आई, आय हाय हाय, उसने तो पूरी दुनिया में आग लगा दिया। क्या बात है। और उसके बाद तो बैक टू बैक आग लगाने वाली ही पैन इंडिया मूवी आ रही है। देखो अल्लू अर्जुन की नई मूवी अनाउंसमेंट हो गई है, और इसमें बड़े बड़े कोलैबोरेशन है भाई, संदीप रेड्डी, अल्लू अर्जुन और भूषण कुमार। देखो भाई इतने बड़े बड़े लोग कोलैब करेंगे तो फिर भाई बॉलीवुड कहाँ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा, ये लोग तो बॉलीवुड को पैरों पे खड़ा भी नहीं होने दे रहे। देखो बॉलीवुड से याद आया कि शाहरुख खान की एक मूवी आ रही है जवान, जिसमें अल्लू अर्जुन का कैमियो भी था, लेकिन 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 अल्लू अर्जुन ने अब इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लू अर्जुन शाहरुख खान के साथ काम करना नहीं चाहते, उनके पास टाइम नहीं होगा। और अभी पुष्पा 2 की शूटिंग भी चल रही है, तो क्या पता अल्लू अर्जुन इसी में बिजी हो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो। क्या बात कर रहे हैं बाबा, लेकिन अल्लू अर्जुन को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था गाइस। देखो एक तरफ शाहरुख खान ने सलमान खान को एक बार बोला कि क्या तुम मेरे मूवी में आगे थोड़ा जलवा दिखा दोगे, वो तुरंत आ गए और बिना एक रुपया लिए पूरा जलवा दिखा दिए भाई। वो बात अलग है कि अब शाहरुख खान को भी उनके मूवी में जाना पड़ेगा बिना फीस लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो अल्लू अर्जुन की जो नई मूवी अनाउंसमेंट हुई है, उस मूवी को डायरेक्ट करेंगे संदीप रेड्डी, और भाई इनका अलग ही स्वैग है। इनका प्लानिंग तो देखो, इस साल आने वाली है रणवीर सिंह के साथ एनिमल मूवी, और उससे अगले साल आएगी प्रभास के साथ स्पिरिट मूवी, और उसके अगले साल जो अनाउंसमेंट कर दिया अल्लू अर्जुन के साथ। वाओ, इनकी 4-5 साल की प्लानिंग तो अभी ही हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, ये मूवी जो अनाउंसमेंट हुई है इसके प्रोड्यूसर है भूषण कुमार। अब देखो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर अगर साउथ में पैसे लगा रहे हैं तो सच में यार बॉलीवुड की स्थिति सच में बहुत खराब है। अब बोलोगे कि ऑडियंस हमें सीरियस नहीं ले रही। अरे आप ऑडियंस को सीरियस नहीं ले रहे, अगर आप हर 2 महीने में पर्दे पे दिख रहे हो वो भी रीमेक लेके, तो कहां से इंटरेस्ट जाएगा ऑडियंस का। आप सब अनुभव करते होंगे। और ऑडियंस चूतिया तो है नहीं कि रीमेक देखने के लिए वो थिएटर चला जाए अपने पैसे बर्बाद करने के लिए। देखो अभी भी मौका है, तुम ऑडियंस को सीरियस ले लो और कुछ ऐसा लाओ कि ऑडियंस खुद चल के थिएटर जाए। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। देखो अल्लू अर्जुन की न्यू मूवी अनाउंसमेंट हो गई है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। और हाँ, वीडियो को कहना लाइक, चैनल को कहना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।